तो क्या कंपू पांडा का चौथा वाला पार्ट अच्छा नहीं बनाया, क्योंकि अभी तक के सारे पार्ट में से इसकी रेटिंग सबसे लो थी। मैंने देखी है 3D वाला चश्मा लगा के कंपू पांडा 4। कुंफू पांडा के जो पहले 3 पार्ट है उनका प्लॉट और इस मूवी का प्लॉट लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन स्टोरी के अंदर आपको अच्छे खासे चेंज देखने को मिलेंगे। कहानी कुछ ऐसी होगी कि कैमिलियन, जो कि किसी भी ड्रैगन वॉरियर का रूप ले सकती है लेकिन वो उनकी शक्तियों को एक्सेस नहीं कर सकती है, उसको उनकी शक्तियों को एक्सेस करने के लिए हर ड्रैगन वॉरियर को स्पिरिट रियल में से बाहर निकालना होगा, और उसको ये चीज करने के लिए उगवे की उस छड़ी का इस्तेमाल करना होगा। जहाँ पे कहानी में इस बार हमको टाइग्रेस या फिर मंकी नहीं दिखाई देने वाले हैं, और वो भी आध्यात्मिक गुरु बनने की सीढ़ी चढ़ चुका है, और आध्यात्मिक गुरु बनने के बाद उसको अपने लिए एक ड्रैगन वॉरियर चुनना पड़ेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मास्टर उगवे ने पो को चुना था। अगर किसी भी मूवी का पार्ट 1 सक्सेसफुल जाता है तो हमारी उम्मीद यही रहती है कि जो आगे आने वाला पार्ट है, यानी पार्ट 2 है या फिर सीजन 2 है, उसे हमारी यही उम्मीद रहती है कि पार्ट 1 में जैसी भी चीजें दिखाई गई है उसे थोड़ा अलग करे पार्ट 2 के अंदर। और अगर यही मामला पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 या फिर पार्ट 4 5 तक जा रहा है तो हमारी उम्मीद ये रहती है कि हमको अलग अलग चीजें दिखाई जाए वहां पे, और उस मामले में ये मूवी सक्सेसफुल रहती है। ऐसे ही अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन या फिर जॉन विक के एपिसोड देखे हैं तो ये चीज आपने भी फील की होगी कि हर बार कुछ ना कुछ फ्रेश फील होता है। कि कोर जॉन विक का एक्शन ही है लेकिन आप उसको अलग करके कैसे दिखाओगे हर एक पार्ट में, वो मेन चीज है। तारीफ यहाँ पे एनिमेटर्स की भी करनी पड़ेगी कि लूप होल ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी बारीक से बारीक चीज को भी डिजाइन अच्छे से किया है। पार्ट 4 की एंडिंग देखते हुए मेरे को यही फील हो रहा था कि हाँ, इसका पार्ट 5 भी आने वाला है, और पार्ट 5 से मेरी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इस बार कहानी पो के ऊपर फोकस छोड़ के दूसरे ड्रैगन वॉरियर पर भी स्टोरी फोकस रख देना, स्पेशली टाइलोंग के ऊपर, जिसके बारे में हमको इतना ज़्यादा बताया नहीं गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप एक अलग मूवी बना दो, भले उसका टाइटल अलग देना पड़े लेकिन अलग सीक्वल में उसको कवर कर लो। हालांकि पो हमको बिल्कुल भी बोर नहीं करता है, लेकिन वही सेम प्लॉट देख के स्टार्टिंग में आएगा पो, कुछ नया सीखेगा, उसके बाद में विलन को हराएगा, लास्ट में मोटिवेशन आएगा और कुछ ना कुछ नया सीख के जाएगा। उस प्लॉट से थोड़ा हटके कुछ चाहिए। ये मूवी पर बच्चों को तो डेफिनेटली पसंद आने वाली है, और अगर आपने भी इसके पहले 3 पार्ट देखे हो तो एडल्ट्स के लिए भी ये मूवी अच्छी ही है। सिर्फ इन नेगेटिव पॉइंट्स को रखना कि ये मूवी बहुत ज्यादा फास्ट पेस है, धड़ाधड़ सारी चीजें निकल जाती है लेकिन रुक के हमको कैरेक्टर एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देती है। कि अगर तुमने किसी भी मूवी के 2-3 पार्ट निकाले हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है अब कि वो कैरेक्टर के बारे में और ज्यादा जाने, लेकिन ये मूवी हमको वो एक्सप्लोर नहीं कराती है, जैसे कि हमको स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 4 में दिया गया था स्टार्टिंग के एपिसोड में, जहाँ पे हमको कोई मेन प्लॉट रखा नहीं गया था सामने, हमको सिर्फ ये बताया गया था कि कैरेक्टर क्या कर रहे हैं। और दूसरा कि बहुत सारे लोगों को ये मूवी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगी, क्योंकि इस मूवी का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 34 मिनट, और अगर आप 350 रुपये या फिर 400 रुपये दे के 3D में ये मूवी देखने जाते हो तो ये मूवी लगभग 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगी और आप बाहर निकलोगे तब आपको लगेगा बस खत्म हो गया। हालांकि मैंने नेगेटिव प्लस पॉइंट सारी चीज़ें गिनवा दी है, और अगर आपने पहले 3 पार्ट देखे हैं या फिर कुंफू पांडा के ऊपर सीरीज भी देखी है तो आपको तो भाई डेफिनेटली रिव्यू नहीं, डायरेक्ट मूवी देखने जाना चाहिए। अगर आपने मूवी देख ली है ऑलरेडी तो कमेंट जरूर करना कि भाई आपको कैसी लगी मूवी। आज के लिए इतना ही, ज्ञान मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब आपके हिसाब से देख लेना। जय हिंद, बाय बाय।